रजत, रजत धोखेबाज बाहर आ साले। ए रजत, अबे इतनी जोर से लगी तो मिश्रा के यहाँ चले जाना। अबे वो तो सुबह सुबह वो के आते थे हम, तो दरवाजा क्यों बजा रहे फिर? तुम एक बात बताओ साला, तुम क्या बोले थे? तुम्हारे मिड सेम के पेपर कैसे गए थे? ठीक ठाक ही गए थे, क्यों? अच्छा बोलेगा, टॉप कर दिए भाई तुम। चल बकचोदी कर रहे हैं बेटा, रिजल्ट निकल चुका है भाई, देख के आ रहे हैं हम। पूरा फर्स्ट ईयर में टॉप मार दिए भाई तुम मिड सेम में। सही में क्या बात कर रहा है भाई। हाँ पूरा टाइम बकचोदी करते करा दे, तुम टॉप मार दिया, तुम रेंचो निकले रेंचो। चल अब तुम से अंगड़ू हो। अबे पेपर ठीक ठाक ही गए थे, इतना कुछ खास भी नहीं हुआ था। तुम अभी रहने दो यार गंडू आदमी। चला तुम हमको क्या क्या बोलते थे यार, फेल करेंगे कोई नहीं यार, जुगाड़ है भाई का, चला स्टार्टअप कर लेंगे, चूतिया बना दिया ना हमको। चूतिया बनाने वाली क्या बात है यार, तो तुम टॉप कैसे मारे बे? कैसे करते हैं टॉप, पढ़ाई करके? शर्म आनी चाहिए तुमको, चला फोन उठा तुमको। लो आ गया पापा का फोन। चला पहला ही सवाल पूछेंगे, रजत के नंबर कितने हैं यार, हमको सीधे वापस बुला लेंगे पटना। चला अपने दोस्त को मरवा के आ गया तुमको सुकून। अबे यार मिल गई खुशी। हेलो। हेलो यस खुशी, रजत रजत, लो पापा को तुम्हें कॉन्ग्रेट्स बोलना है। अबे लो। नमस्ते अंकल, दो मिनट भाई। कितना? दो भाई, दो रुचि। घर चलते हैं प्लीज। हाँ चलो साथ में निकल। नहीं हम दोनों चलते हैं प्लीज घर। अरे एक कार में आ जाएंगे। नहीं प्लीज जस्ट अस। खुशी वो तुमने डिनर के लिए बोला था तो। शुक्ला यार I'm really sorry, can we postpone this? खुशी क्या हुआ यार एकदम से? कुछ नहीं हुआ करण। फिर? I'll talk to you later. You wanna talk? I said I don't wanna talk करण। Sorry, I'm really sorry. I'll call you later. खुशी क्या हुआ? Please चल, please जल्दी चल। इस बार तो तू श्योर है ना?
कि रजत ही है? अरे आई मीन आई नो तो उसकी आवाज़ पहचानती है, बट आई एम जस्ट बीइंग श्योर एक और शुक्ला नहीं चाहिए लाइफ में, एक ही काफ़ी है. करण को बताएगी? पता नहीं, पर जब तक मैं करण को ना बताऊं प्लीज शुक्ला के सामने चुप रहना. हाँ ऑब्वियसली. पर फाइनली तूने क्या सोचा है? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा. कुछ हफ्ते पहले जब ये हुआ था तब मैं कितनी खुश थी, पर अब करण से मिलने के बाद. I just don't know what to feel anymore. क्या कर रही है यार, दो सेकंड के लिए तो इसको साइड में रख दे. मैं इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ ना यार. ये भी तो इम्पोर्टेंट है, मेरा कॉल इट अ नाइट वाला ट्रीटमेंट जिनसेंग प्लस ऑलिव ऑयल के साथ, सुबह तक स्किन रिचार्ज. अच्छा ठीक है, अब मुझे बताएगी मैं क्या करूँ? यार तुझे हमेशा से पता है हाउ आई फील अबाउट रजत. आई नेवर लाइक्ड हिम. ही वॉज मीन, सेल्फिश एंड फ्रेंकली स्पीकिंग वो तुझसे 10 times लेस सीरियस था. वो जस्ट बिकॉज तू उसके पीछे इतना पागल थी, आई यूज टू टॉलरेट हिम. बट व्हाट इफ ही हैज चेंज्ड? सो व्हाट, दैट डजंट चेंज द फैक्ट दैट ही लेफ्ट यू, एंड नॉट बिकॉज तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम थे, बट बिकॉज वो कोई स्टूपिड से एग्जाम में फेल हो गया था. यार शुक्ले, इग्नोर कर रही है यार. क्यों? मैसेज डिलीवर हो गया, पढ़ भी लिया, रिप्लाई नहीं कर रही. यार ये लड़कियों को ना कुछ समझ नहीं आता यार. और रुचि को भी मैंने 5 बार टेक्स्ट किया था कि क्या हो गया भाई अचानक से एकदम, कुछ बता ही नहीं रही. सब कुछ तो इतना सही चल रहा है यार, फिर पता नहीं एकदम से क्या हुआ. कुछ इतना खुश थी यार. हाँ यार, रुचि भी कितना रुचि थी, मतलब खुश थी. अच्छा सुन, ये रख 1500 रुपये अपनी उधारी क्लियर. आज तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते. भाई बड़ी जल्दी याद आ गए. सही है, कुछ भी कुछ ले लूँगा इससे. भाई 1500 में क्या गिफ्ट देगा, कुछ बड़ा सोच ना भाई. इसे इन्वेस्ट कर ऑक्टाएफएक्स 4x में और 3 से 10 गुना कमा, फिर कुछ गिफ्ट दे. 4x में क्यों? और ये ऑक्टाएफएक्स वालों के साथ क्यों? भाई क्योंकि कोई भी मार्केट तुझे 4x जैसी फ्लेक्सीबिलिटी दे ही नहीं सकता. अच्छा, और OctaFX को तो recently best forex broker in India 2020 का award भी मिला है. ये देख, अपनी पसंद की trading instrument select कर, जैसे gold, और जब prices low हो तो buy order कर देना, और फिर जब prices high हो जाए तो close कर देना. ठीक है भाई, मस्त profit कमा और withdraw कर लेना Paytm या Visa से. सही है. अच्छा तो सारा पैसे यहीं से आ रहा है? और नहीं तो क्या भाई. अरे अब इसको खुशी का क्या करूं? कॉल करना उसे. करूं कॉल? हाँ. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे
बिजी आ रहा है। बिजी डेढ़ बजे अरे क्या कही वो अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही होगी तो सो जाओ। गुड नाइट ब्रो। Listen, can we meet today? Lotus Cafe, 12 p.m. Sure. तो रात भर सोई नहीं है ना? कहाँ जा रही है? करण से मिलने। क्यों यार उसे पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि तू रात भर रजत से बात कर रही थी और अगर उसे बुरा लगा तो पता नहीं। आई जस्ट थिंक ही नीड्स टू नो। यार खुशी एक बात ना ध्यान रख, लाइफ में कुछ लोग अच्छी किस्मत से मिलते हैं और उसी अच्छी किस्मत के कारण ही दूर हो जाते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि किसे रोक के रखें और किसे वापस ना आने दें। क्या हुआ सोई नहीं कल रात को? कमी नींद आई। क्यों? नहीं लग रहा है देख के। कल अलग ही मूड में भी थी ना तुम जब गई वहां से, तो वही मुझे कुछ बताना था। बताओ। इट्स अबाउट रजत। मैं उसी रात को अपना फ़ोन ऑफ करके घर निकल गया था, फिर दो दिन बाद कोटा एक साल ड्रॉप लेने के लिए। पता है एक साल जब ड्रॉप लिया ना, सोचने का टाइम मिला ना, तब समझ में आया तुम मेरे बारे में सही कहती थी। मैं लूज़र था यार, अपने फेलियर्स के लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना। हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं यार? घर वालों से पढ़ाई का इतना प्रेशर था कि मैंने एक साल पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया यार। फिर कहीं जाके पुणे के किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, तब बहुत मन था यार खुशी तुझसे बात करने का, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया यार मैं। फिर आज मैंने मिडसेम में जब टॉप किया और मेरा दोस्त फेल हो गया, उसने आके मेरे को ब्लेम करने लगा कि तेरी वजह से मैं फेल हो गया। एग्जैक्टली उस मोमेंट पे मेरे को तेरी याद आई यार। आई वॉज सो रॉन्ग विद यू खुशी। सारी चीजों के लिए तेरे को ब्लेम करके चले गया यार। आई रियली वॉन्ट टू मेक अप फॉर व्हाट आई डिड खुशी। आई एम रियली
रियली सॉरी. व्हाट? आई एम सॉरी बोल दिया ना उसने. तो अब तो हो गया, सब सही हो गया. आगे बोलूं मैं? बोलो. उसने बोला कि आई रियली वॉन्ट टू मेक अप फॉर व्हाट आई डिड. हम लोग प्लीज मिल सकते हैं क्या? मैं मुंबई आता हूँ ना तुझसे मिलने. खुशी क्या बोला तुमने फिर? मैंने बोला आई डोंट नो, मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ. बताओ ना क्या करूँ. एक बात बताओ, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि यार तुम्हारे अलावा एक रुचि है जिसे सबके बारे में पता है और वो तो चिढ़ती है ना उससे. सो आई नीड अनबायस्ड एडवाइस. तो वो अनबायस्ड एडवाइस मैं तुम्हें दूंगा. हाँ, रुचि से तो ज़्यादा ही दोगे. अच्छा ठीक है, क्योंकि तुम अपने एक्स से मिल रही हो, रुचि को फ़र्क पड़ता होगा, मुझे तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता. यार मैं वहाँ जाके उससे कोई शादी नहीं करने वाली हूँ. आई जस्ट नीड टू नो वेदर आई शुड लेट हिम बैक इन माई लाइफ और नॉट. आई नीड योर एडवाइस एज अ फ्रेंड. एज अ फ्रेंड? क्या हो रहा भाई तेरे साथ? भाई मैं सुन बकचोदी में बोल रहा था, रजत सच में वापस आ गया. भाई ऊपर वाला ना तेरे साथ एकता कपूर वाली हरकतें कर रहा है भाई. तू तो मत मजाक उड़ा यार शुक्ले, मैं सीरियसली तेरे पास एडवाइस लेने आया हूँ. ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी. हाँ तो तूने क्या क्या बोला, मतलब क्या एडवाइस दी तूने एज अ फ्रेंड? ओके बताऊं? या मैंने उसको बोला मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए और फिर सीधा तेरे पास आ गया पूछने के लिए. बता भाई क्या करूं? मतलब क्राइसिस में है तू. ध्यान से सुन, ये है फ्रेंड जोन और ये है बॉयफ्रेंड जोन, और ये जो छोटा सा लुल्ली जैसा दिख रहा है, लेट्स कॉल इट द गेम जोन, क्योंकि लाइफ यहां पे लौंडो के साथ गेम ही खेल रही होती है मेरे भाई. और तू अभी इस वक्त यहीं पर है. तेरा मिशन है यहां से यहां जाना, जो कि तू धीरे धीरे अचीव भी कर रहा है. That's a good thing. लेकिन अगर तूने उसे सीधा मना कर दिया कि रजत से जाके मत मिल, तो बोलेगी बहनचोद तुझे बड़ी जल्दी है, तुझे बताना ना मैं क्या करूं और ना करूं. वो बोलेगी निकल लौड़े, और फिर तू सीधा फ्रेंड जोन में आ जाएगा. और फिर भाई सॉरी मिस यू प्लीज टॉक टू मी करते 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 तू फ्रेंड जोन से ज्यादा गेम जोन के बॉर्डर तक पहुंच सकता है. और फिर ऐसा चलता जाएगा 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 जब तक इस मार्कर का इंक ना खत्म हो जाए और ऑब्वियसली खुशी और रजत की शादी ना हो जाए. ओए किसकी शादी ना हो जाए? किसी की नहीं हो रही यार, किसी की नहीं हो रही भाई, नहीं हो रही, किसी की शादी नहीं होगी. उसके लिए एक अपना अलग जोन बनाना पड़ेगा, द इनडिफरेंट जोन, जहां पे यू डोंट गिव अ प्यूबिक हेयर अबाउट एनीथिंग. कौन सा यार? अरे मतलब तुझे झांटा फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई. तू उसे जाके बोल दे कि आई थिंक यू शुड डू व्हाट योर हार्ट टेल्स यू टू डू. अगर उसे रजत से जाके मिलना है तो आई सपोर्ट यू फॉर दैट, और अगर उसे अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकाल फेंकना है तो इवन बेटर भाई. बट नो मैटर वॉट यू आर देयर फॉर हर. इससे उसे तुझमें मैच्योरिटी, एक अनकंडीशनल प्यार नजर आएगा. किसे नहीं चाहिए यार इस दुनिया में, मुझे तो चाहिए. और फिर देखना ये बॉयफ्रेंड जोन अपने आप खुद ब खुद चल के तुझे अपने अंदर कंज्यूम कर लेगा भाई, और तू बन जाएगा खुशी का बॉयफ्रेंड. की बात है शुक्ला,
शुक्ला की एडवाइस कभी गलत हुई है मेरे भाई? 10 में से 1 बार तो यार उंगली की भी नहीं चलती है। फिर भेज रहा हूं मैं। I think you should do what your heart says. I will support you no matter what. भेज दिया। शाबाश 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 मेरे लौंडे। अब देखना भाई, अब देखना तेरा प्यार रियलाइज होगा उसे। होगा भाई। सजा हाँ नहीं था। You don't know how much this means to me. Thanks a lot, Karan. Thanks a lot, Shukla. Smoking bike. फिर से मैसेज आया। मैंने रजत को भी सब बोल दिया है। परसों सुबह मिलने आ रहा है। तुम लोग भी आ जाना। तुम लोग भी आ जाना। मैं बॉयफ्रेंड से मिलने बुला रही हूँ। वो पानी देखता हूँ मैं, फट गया शायद से। तो मैं शुक्ला कुत्ते। अबे सॉरी ना यार, साले। अबे सॉरी भाई। हाय गाइस। यार ये कहानी तो कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। मुझे तो बेचारे करण पर दया आ रही है। क्या जरूरत है खुशी को वापस से रजत से मिलने की? अरे लेकिन वो एक टाइम पर उसका दोस्त भी तो था, नॉर्मली भी तो मिल सकते हैं। खैर दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये सीजन 2 के फिनाले में आखिरकार होना क्या चाहिए। खुशी को रजत को वापस अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, और इन सब के बीच में करण का क्या होगा? ऑल्सो दोस्तों, आपने ये भी देख ही लिया होगा कि रुचि और खुशी की खूबसूरती का राज क्या है। तो आज ही चाहिए और ट्राई करिए फोरियो स्वीडन का यू हैव अ स्मार्ट मास्क। स्वीडन प्रोफेशनल ट्रीटमेंट एट होम, स्पेशली एट अ टाइम जब घर से अननेसेसरी बाहर निकलना सही नहीं है। इज द परफेक्ट डिवाइस फॉर होम स्पा। यू विल गेट रेंज ऑफ मास्क फॉर डिफरेंट स्किन टाइप्स। इसमें आपको मिलता है LED लाइट्स एंड क्रायो प्लस थर्मो फॉर अ हाइपर इन्फ्यूजन, जो सिर्फ 90 सेकेंड्स में आपको स्पा वर्दी फेशियल ट्रीटमेंट देता है। एनीवे, जल्दी ही सीजन 2 का फिनाले आने वाला है, जिसमें हमें मिलेंगे हमारे सारे सवालों के जवाब। तो तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब टू RVCJ।